नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है, जहां चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। आज होगी बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा लेंगे बैठक। निकाय संचालन समिति की आज पहली बैठक। बैठक में निकाय चुनाव से जुड़े कई अहम फैसले होंगे। आज होगी बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक। चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है। आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा बैठक लेंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव से जुड़े अहम फैसले होंगे। आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। ये बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। निकाय संचालन समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। चुनावी मोड में बीजेपी उतर चुकी है। आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है। आपको बता दें, निकाय संचालन समिति की आज ये पहली बैठक है। इस बैठक में निकाय चुनाव से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चुनावी मोड में बीजेपी, आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। निकाय संचालन समिति की आज ये पहली बैठक होगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव जी, आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है, निकाय संचालन को लेकर ये बैठक होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है? साथ में ये भी बताएं कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी या फिर फिजिकल बैठक होगी। वैभव जी, आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है, निकाय संचालन समिति की ये पहली बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी बोर्ड में उतर चुकी है। इसको लेकर आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव जी की ओर। वैभव जी, आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है और यह बैठक निकाय संचालन समिति की पहली बैठक बताई जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? वैभव जी, साथ में ये भी बताएं कि बैठक किस माध्यम से होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी या फिर फिजिकल बैठक होगी? फिजिकल बैठक होगी। सबसे पहले जो आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब है, जो आपका पहला सवाल था
की आज बैठक होने जा रही है जिला अध्यक्षों की राजधानी भोपाल में। नगरीय निकाय की जो चुनाव होने उसको लेकर संचालन समिति बनाई गई है बीजेपी संगठन के द्वारा। 22 सदस्यीय संगठन समिति है जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता करने वाले हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। ऋतु, सबसे कुछ दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव नहीं आगे बढ़ेंगे, वोटर लिस्ट का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही नगरीय निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग प्रक्रिया करने की शुरुआत कर देगा। क्योंकि अब राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट रूप से कह चुके कि अब चुनावों की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसे में चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी और नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश बीजेपी के द्वारा शुरू कर दी है। उसी क्रम में आज नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक होने जा रही है। ऋतु, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जिला अध्यक्षों की जो बैठक है उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। अपने अनुभव भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साझा करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ। इसके साथ ही आला कमान के द्वारा जो रणनीति बनाई गई है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर उसे भी बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ दोनों ही दिग्गज नेता साझा करेंगे। चूंकि कोरोना को लेकर वैक्सीन आ चुकी है और लगातार टीकाकरण भी किया जा रहा है, तो इसलिए जो बैठक है वो एक्चुअल बैठक होगी। क्योंकि इस बैठक में बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता, केवल जिलों के जिला अध्यक्षों को ही बुलाया जाता है, तो जो जिलों की संख्या भी मध्य प्रदेश में सीमित है और केवल 3 से 4 बड़े नेता ही इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन से जुड़े हुए कई अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जब कम लोगों की ऋतु बैठक होती है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन कर पाते हैं, इसके साथ ही अपनी बात को अच्छे तरीके से रख तो पाते हैं, साथ ही दूसरों की बातों को भी अच्छे तरीके से सुन पाते हैं। इसलिए एक्चुअल तरीके से आज ये बीजेपी कार्यालय में बैठक होने जा रही है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा के बाद अब जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है नगरीय निकाय चुनाव के, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही पंच सरपंच के भी चुनाव होने हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव होते हैं किसी भी सरकार के लिए। तो इसी में ज्यादा से ज्यादा पद प्राप्त करने के लिए बीजेपी के द्वारा आज ये बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल वाहव जी, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। जैसा कि आपने बताया कि उमा शंकर गुप्ता की अगुवाई में 22 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, टीम बनाई गई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? जो संचालन समिति बनाई गई है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, जो पूरे ही चुनाव को संचालित करेगी, जिसकी कमान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सौंपी गई है, 22 सदस्यीय ये पूरी समिति है। इस समिति के कंधों पर दारोमदार रहेगा ऋतु कि नगरीय निकाय चुनाव में संगठन की पकड़ किस तरीके से मजबूत रहे। इसके साथ ही जो फीडबैक होगा वो भी समिति के माध्यम से ही बीजेपी आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो संचालन समिति बनाई गई है वो रहेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के पास बेहद अच्छा खासा अनुभव है चुनावों को संचालित करने का। अभी जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब भी उनके कंधों पर संगठित कार्यकर्ताओं को संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी को निभाया और लंबे समय तक वो ग्वालियर मुरैना अंचल संभाग में भी रहे, वहाँ पर बीजेपी के जो नाराज लोग थे उनसे भी उन्होंने लगातार मुलाकातें की और कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को भी संबोधित कर जनता के मन को भी टटोलने की कोशिश की। तो बेहद जिम्मेदारी भरा हुआ ये काम उनको दिया गया उमाशंकर गुप्ता को। उसके साथ ही जो समिति बनाई गई है, समिति के कंधों पर भी जिम्मेदारी है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले उसको लेकर किस तरह से तैयारियां करनी है। चूंकि समय कम बचा है, जनवरी का महीना समाप्त होने को है, फरवरी और मार्च का ही महीना अब जो समिति उसके सदस्यों के पास रहेगा, तो बेहतर रूप से रणनीति बनाकर उस रणनीति को अमली जामा या फिर जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश, जमीन तक पहुंचाने की कोशिश रणनीति को इस समिति के द्वारा की जाएगी। जी वैभव जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। चुनावी मोड में बीजेपी उतर चुकी है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। आज बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है, इस बैठक में निकाय चुनाव से जुड़े कई अहम फैसले भी होंगे। आपको बता दें कि निकाय संचालन समिति की ये पहली बैठक है।